बचकानी हरकत करने वालों के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और बोलूंगा तो बहुत बड़ा भंडा फोड़ोगे। चोर चोर मुसेरे भाई सब उस थैली के जितने भी चट्टे बट्टे सब एक ही भाषा बोलेंगे। अगर वो ही बोल रहे हैं तो आप प्रत्याशित नहीं। जो नाम आपने लिया न पिद्दी का शोरवा, इसलिए ऐसे बचकानी बयानबाजी करने वालों को जवाब देना मैं समझता हूँ ये मेरी तौहीन है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे धमाकेदार, सबसे विस्फोटक अंदाज में अगर किसी ने बोला है तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कई टिप्पणियां की, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों पे कई बातें कही, उन्होंने हनुमान जी पे कई बात कही, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी में ही निकल के आ रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। हम उनसे बात करते कि आखिर अचानक इस ठंडी में ये राजनीतिक गर्मी कहां से आ गई। पहली बात ये कि अपमान का विरोध करना, गाली का विरोध करना, गाली को धर्म के नाम पर प्रयोग किया जाना और उसको हटाने की मांग करना, ये कोई आरोप नहीं है, सत्यारोप नहीं है, बल्कि सम्मान और न्याय की मांग है। अगर हम सम्मान की बात करते हैं, गाली न देने की बात करते हैं, अपमान न करने की बात करते हैं, तो तमाम धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है। इसलिए आज अनाप अनाप बयानबाजी कर रहे हैं, और मैंने देखा आज एक हनुमान पीठ है, उसके महंत एक शास्त्री जी, उन्होंने अपनी सफाई देते हुए और अपने ज्ञान को बिखेरते हुए एक नया परिभाषा लिखा कि शूद्र वह है जो संतुलन खो देते हैं। तो शास्त्री जी की भाषा के मुताबिक आज संतुलन उन्होंने खोया है जो देश के तमाम संत हैं, महंत हैं, धर्माचार्य हैं, जाति विशेष के लोग हैं, तो उनकी परिभाषा के अनुसार ये सारे संत महंत धर्माचार्य और जात विशेष के लोग शूद्र है और नीचे। स्वामी जी, तीन चीजें हैं। एक ये कि समाजवादी पार्टी में आप हैं, एक ये कि आप भाजपा में थे, और एक ये कि अब आने वाली राजनीति आप किधर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पांच बड़े नाम हैं जिन्होंने आपके जी भर के निशाना साधा। उसमें एक आती है रोली मिश्रा, जिन्होंने कहा आप बीएसपी के एजेंट हैं। जो नाम आपने लिया न पिद्दी का शोरवा, इसलिए ऐसे बचकानी बयानबाजी करने वालों को जवाब देना मैं समझता हूं ये मेरी तौहीन है। अच्छा, दूसरा नाम आता है अपर्णा यादव का, छोटी बहू है उस परिवार की। उनका कहना है कि नेताजी कहा करते थे जो मिले उसे सम्मानपूर्वक और प्यारपूर्वक रखना चाहिए। फिर ये अचानक भारत रत्न और ये कहां से आ रहा मुझे तो पता नहीं। अगर आप सम्मानपूर्वक रखना चाहिए तो समाजवादी पार्टी छोड़कर के भाजपा में क्यों चली गई। आपके साथी फैजाबाद से, उन्होंने कहा कि आपको अल्प ज्ञान है, ब्राह्मणों का इतिहास पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नीचे जाति वाले नहीं रहते तो आइए 14 कोसी परिक्रमा में। सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे दलितों की है, वहां शोषितों की है, वहां शूद्रों की है। जो आदिवासी दलित पिछड़े अनजाने गाली को धर्म मान करके इनके मकर जाल में फंसे थे, उन्हीं को सम्मान के साथ मैं खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस नाम की हवाला आप दे रहे हैं वो कितने ज्ञानी हैं जग जानता है। सर, बीते डेढ़ दशक से एक व्यक्ति हैं जो एक ही पार्टी में अब आपके साथ है, लेकिन चुनाव लगातार उनका आते रहा। आपके बेटे के सामने दो बार चुनाव वो लड़े, जीते। उनका कहना है कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। उन्होंने आज ट्वीट के माध्यम से एक नई चीज कही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने पदों पर रहते हुए कितने लोगों के खेत लिखवा लिए, कितने लोग जमीन लिखवा लिए, कितने लोग चूना लगा चुके सब जानते हैं। इसलिए ऐसे बचकानी हरकत करने वालों के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और बोलूंगा तो बहुत
बड़ा भंडाफोड़ होगा। अच्छा, आपके कभी करीबी रहे इस रायबरेली से स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सब कुछ शीर्ष नेता यानी कि अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में हो रहा है। एक को उन्होंने छोड़ दिया कि आप दलितों को ब्राह्मणों को चिल्लाते रहिए, और दूसरे को लगा दिया कि आप दलितों को चिल्लाते रहिए और अपनी वोट बैंक की राजनीति 2024 के लिए मजबूत होती रहे। अब जिस राज्य मंत्री की ओर आप इशारा कर रहे हैं, आज वो भाजपा में है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के युवा बोलेंगे। अब भाजपा में अपनी बात तो कही नहीं सकते, इसलिए जब भाजपा की जुबान बोल रहे हैं, और भाजपा उसी मानसिकता की पार्टी है जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, तो स्वाभाविक रूप से चोर चोर मुर्शेरे भाई सब उस थैली के जितने भी चट्टे बट्टे सब एक ही भाषा बोलेंगे। अगर वो ही बोल रहे हैं तो अप्रत्याशित नहीं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, जब अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम आप बात कर रहे थे तब आपने कहा कि रामचरितमानस की चीजों को जो आपको लगता है कि हटनी चाहिए वो सरकार हटाएगी, सरकार के जब आप साथी रहे तब आपने कभी इस बारे में कोई बात की? आखिर 2024 के पहले ही ये सारा रामचरितमानस का किताबी ज्ञान कैसे आ गया? कभी कभी जब प्रसंग आता है तभी बात छिड़ती। हम तमाम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं। पहले भी मैं इस प्रकार की आपत्ति दर्ज कराता रहा हूं, लेकिन वैचारिक टकराहट देशव्यापी हुआ यह पहली बार है, लेकिन हमलावर मैं पहले भी रहा। एक आखिरी सवाल, आखिर 23 में स्वामी कहां रहेंगे? अपनी नई पार्टी बनाएंगे या बड़े राजनीतिक गलियारों में कयास और लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस हाथी की ओर जाने वाले हैं? जिसको मैं छोड़ता हूं उसकी ओर पलट के कभी देखता नहीं। आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं, आगे भी रहूंगा। लोग कयासबाजी कुछ भी लगाएं, उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं। बेटे ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, आपको लगता है एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक भविष्य के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं? राजनीति में प्रायः लड़ना न लड़ना पार्टी के निर्णय पर आधारित होता है। थैंक यू। तो आप थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने आज यूपी तक की सारी सवालों के सारे जवाब बड़ी बेबाकी से दिए और साफ कहा कि वो सपा में हैं और सपा में ही रहेंगे, जहां से लौट के जाते हैं वहां वो दोबारा वापस नहीं जाते। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।